आप विधायक नरेश बालियान के पास से 2.5 करोड़ की राशि जब्त होने पर बीजेपी ने बोला हमला। मनोज तिवारी बोले, आप विधायक के पास किसका पैसा? आपसे गठबंधन न होने को लेकर सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित से पूछे सवाल। शीला दीक्षित बोली, नेता नहीं चाहते आपसे हो गठबंधन। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। मेरा बूथ मेरा गौरव से दिल्ली में चुनावी बिगुल फूकेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दिल्ली में अब नहीं होगा पानी बर्बाद। दिल्ली जल बोर्ड ने की डेटा एग्जीक्यूटिव सेंटर की शुरुआत। पानी की सप्लाई पर रखी जा सकेगी नजर। दिल्ली के एडीजे की टीम ने 4 आड़तियों पर मारा छापा। 3 घंटे तक चली छापेमारी में नकली ब्रांड के चावल बरामद। टीम चारों आड़तियों से कर रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस के पेट्रोलिंग दस्ते में शामिल होंगे स्कूटर। महिला पुलिसकर्मी करेंगी स्कूटर पर पेट्रोलिंग। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। रोहिणी में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं कैमरे। दिल्ली में बदमाशों का आतंक जारी। इंद्रपुरी में बदमाशों ने एक जिम पर की गोलीबारी। गोली लगने से बालकनी में खड़े 6 साल के मासूम की मौत। फरीदाबाद सेक्टर 31 में पुलिस वाला बनकर बुजुर्ग से गहनों की ठगी। बुजुर्ग ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में आज से शुरू पल्स पोलियो अभियान। 7 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। 15 मार्च तक चलाया जाएगा अभियान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा, देश जानता है कि बीजेपी ने सैनिकों को चुनाव में घसीट लिया है। वोट के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है बीजेपी। प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव को भी मुलायम सिंह के साथ आने की उम्मीद। कहा, नेताजी मेरे साथ, उनकी इजाजत से बनाई नई पार्टी। 20 पार्टी ने बनाया नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब बोले, सपा बसपा और कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी नेता मनोज सिन्हा बोले, अगर मोदी सरकार ने बेहतर काम किया हो तो बीजेपी को वोट दें। मुरादाबाद में बुद्ध बाजार चौकी इंचार्ज जितेंद्र तोमर ने चेकिंग के दौरान 3 चोरों को किया गिरफ्तार। तीनों वाहन चोरी की वारदात में लिप्त। राम मंदिर मामले में असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर श्री श्री रविशंकर का पलटवार। बोले, कुछ लोगों का काम ही विरोध करना है। उत्तराखंड में नहीं रुक रही बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं। चॉकलेट में नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग छात्रा से जंगल में दुष्कर्म, आरोपी फरार। राजद नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर तंज। बोले, नीतीश कुमार शपथ लेंगे कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। महागठबंधन को लेकर बोले लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, बिहार में महागठबंधन मजबूत, सीटों का बंटवारा भी जल्द होगा। झारखंड के चतरा में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने गिद्दौर चौक से 3 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर बघेल सरकार सख्त। सरकार ने कहा, अपराधों पर रोक नहीं होने पर संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से होंगे जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कसी कमर। 11 मार्च को चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी। सभी विधानसभाओं में करेंगे स्वाभिमान बैठक। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी 50% की छूट। बिजली कंपनी ने जारी किया छूट और स्लैब का चार्ट। अप्रैल से लागू होगी नीति। चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार ने खेला आरक्षण कार्ड। ओबीसी के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी।
राज्य सरकार की किसानों को राहत, किसान से 800 रुपए क्विंटल में प्याज खरीदी पर मिलेगा 75% अनुदान। सरकार ने मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। पूर्व कांग्रेस विधायक निशंक जैन ने की कमलनाथ सरकार की तारीफ, बोले सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है प्रदेश सरकार। गहलोत सरकार ने दी जवाबदेही कानून को मंजूरी, फाइल अटकी तो अधिकारियों को देना होगा जवाब, जनता के विश्वास के साथ नहीं होगा खिलवाड़। राजस्थान में कस्टम विभाग को मिली सफलता, जयपुर हवाई अड्डे से अवैध सोने के साथ एक गिरफ्तार, 1 किलो सोना बरामद। महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रमुख राज ठाकरे का दावा, कहा लोकसभा चुनाव में मोदी के फायदे के लिए हुआ पुलवामा हमला। महाराष्ट्र बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने 6300 करोड़ के ठेके किए रद्द, मोबाइल फोन की खरीदी में घोटाले का है आरोप। पेंशनर्स यूनियन ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी, कहा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को अगर किया अनदेखा तो चुनाव में सिखाएंगे सबक। बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर से घुसपैठियों को किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान पाकिस्तानी करेंसी बरामद, पुलिस पूछताछ में जुटे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, आचार संहिता के बाद 1 लाख से ज्यादा लेन देन पर चुनाव आयोग को देना होगा जवाब, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर रखी जाएगी नजर। मोगरैली में मंच से बोलने का मौका नहीं मिलने से नाराजगी पर सिद्धू का यूटर्न, बोले मेरा जीवन पंजाब और कांग्रेस को समर्पित है, किसी से नाराज नहीं। जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा सत्ता में आए तो 1 महीने में बहाल करेंगे पुरानी पेंशन योजना। हरियाणा में बढ़ते जल प्रदूषण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई, बोर्ड ने सील की करनाल की शराब फैक्ट्री, यमुनानगर की हरियाणा डिस्टिलरी को भी जारी किया नोटिस। हरियाणा में गठबंधन को लेकर बीजेपी प्रभारी अनिल जैन का बयान, बोले बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं, अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव। हिमाचल में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता भी करेंगे प्रचार, हाईकमान के पास भेजी गई सूची। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी से गठबंधन की संभावनाओं को किया खारिज, बोले मर जाएंगे पर बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादियों पर गिरेगी गाज, मीरवाइज उमर फारूक को घर में किया गया नजरबंद, एनआईए ने अलगाववादियों को किया तलब। पीएम मोदी ने रखी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रो प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला, अब सूरत के लोग भी कर सकेंगे मेट्रो में सफर। कर्नाटक के हासन में राज्य परिवहन निगम की बस और कार की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। महिलाओं पर दाम लगाएंगे सीएम नवीन पटनायक, कहा अगले लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट देंगे। कांग्रेस नेता विजय शांति का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कहा आतंकी जैसे दिखते हैं पीएम मोदी, बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष का बंगाल सरकार पर वार, बोले बंगाल की स्थिति भयंकर, परिवर्तन जरूरी, इस बार जनता ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में दिलचस्प होगा मुकाबला, ममता बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन, दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर बनी सहमति। कोलकाता को दहलाने की कोशिश नाकाम, एसटीएफ ने महानगर के जितपुर में एक मालवाही गाड़ी से 1000 किलो विस्फोटक सामग्री की बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। वोटर डेटा चोरी विवाद पर केसीआर को चंद्रबाबू नायडू की चेतावनी, अगर उनके राज्य के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया गया तो हमारे पास भी है पुलिस फोर्स। केरल पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस ने महिला पायलट से छेड़छाड़ करने वाले टैक्सी ड्राइवर को किया गिरफ्तार, पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। और मिजोरम भी होगा ड्राई स्टेट, खरीदी और बिक्री पर लगेगी रोक, मुख्यमंत्री जोराम थांगा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मिजोरम मद्य निषेध विधेयक 2019 को दी गई मंजूरी।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।